सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, आज है 12 अक्टूबर। आप देख सकते हैं कि आज, यस, आज ही के दिन 12 अक्टूबर को आईसीएसआई का कुछ सर्कुलर आया है। देख सकते हैं 12 अक्टूबर आज है और आज ही सर्कुलर आया है आईसीएसआई का। क्या आया, पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते हैं क्या लिख रखा है, डियर स्टूडेंट्स। तो भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग ध्यान दिए, जरा जरा कुछ बात कहना चाह रहा है आईसीएसआई हमारा। तो इन अलाइनमेंट विद द मिशन, ठीक है, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो हमारा मिशन है आपको बताइए होगा। द आईसीएसआई बिलीव दैट द की टू रेगुलेटिंग द डेवलपमेंट डेवलपिंग द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लाइज इन इंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए हमारा। एज एन इंस्टीट्यूट असर्टेनिंग अ फेयर इवेल्युएशन प्रोसेस हैज ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी। ठीक है, आईसीएसआई की प्रायोरिटी रहती है। व्हाइल इवेल्युएटिंग द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द स्टूडेंट, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, रेलिवेंसी, ऑब्जेक्टिव, इंटेंट ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की इंटेंट का पूछना चाह रहा है, एटसेट्रा आर कंसिडर, सारी चीजें कंसिडर की जाती है। द एग्जामिनर्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू वैल्यूएट आंसर एंड अवार्ड मार्क्स अकॉर्डिंग। इसके हिसाब से आंसर मिलते हैं हमें, मार्क्स मिलते हैं। इंडिकेटिव मॉडल सोल्यूशन, ठीक है, विच आर सब्जेक्ट टू मल्टीपल रिव्यू प्रोसेस आर प्रोवाइडेड टू द एग्जामिनर। द आंसर स्क्रिप्ट आर नॉट इवेल्युएटेड ऑन द वर्बेटिम कंटेंट ऑफ द सेम, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द लॉ बेस्ड क्वेश्चन। वैन देयर इज मोर देन वन मैथड, यहाँ ये सुनिएगा आप, वैन देयर इज मोर देन वन मैथड आंसर अ क्वेश्चन, स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम एक ही मैथड यूज कर सकते हैं, कुछ ऑल्टरनेट मैथड्स भी होते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट आंसर्स एंड अकॉर्डिंगली द एग्जामिनर्स गिव ड्यू वेटेज टू ऑल करेक्ट ऑल्टरनेट आंसर, ठीक है, उसके हिसाब से मार्क्स मिलते हैं हमें। द एग्जामिनर्स ऑब्जर्वेशन ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स आर पब्लिश ऑन द एकेडमिक पोर्टल ऑफ द इंस्टीट्यूट टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑन द क्वालिटी एंड कंटेंट्स ऑफ द आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जाके। आप सुनिए जो मेन चीज हमारे स्टूडेंट के लिए है कि आईसीएसआई क्या एक्सपेक्ट करता है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आईसीएसआई हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो सुनिएगा इस ध्यान से। द इंस्टीट्यूट स्ट्रांगली रिकमेंड्स, ठीक है, स्ट्रांगली रिकमेंड करता है आईसीएसआई हमें, दैट स्टूडेंट कि हम स्टूडेंट्स को वाइल प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन शुड, हमें अपने एग्जाम जो दिसंबर में या आगे होंगे उसको प्रिपरेशन करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी है। शुड स्टडी बेयर एक्ट, हमें बेयर एक्ट पढ़ना है। डेलीगेटेड रेजुलेशन, ये भी पढ़ना है। स्टडी मटेरियल जो ऐसे प्रोवाइड कराते हैं ना, स्टडी मटेरियल वो भी हमें पढ़ना है। स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी जनरल, जो स्टूडेंट के लिए जनरल आता है वो भी, एंड चार्टर सेक्रेटरी जनरल, रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट, जो जजमेंट्स आती है ना वो भी हमें पढ़नी है, एंड यहाँ पर भी नहीं है इसके बाद ये रखा है हमें एटसेट्रा। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, इससे मटेरियल पढ़ना है हमें, चार्टर सेक्रेटरी जनरल पढ़ना है, ये और सारी चीजें पढ़नी है, और इसके साथ भी हमें और चीजें पढ़नी है, यहीं पे स्पेसिफिक नहीं है, ये इंक्लूड है। ठीक है, और भी सारी चीजें हो सकती हैं। लास्ट में देखिए आप, द इंस्टीट्यूट बिलीव्स दैट 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज क्रिटिकल टू स्ट्रेंथिंग द फाउंडेशन ऑफ अ गुड गवर्नेंस एंड मेकिंग देम द ग्लोबली प्रेफर्ड प्रोफेशन। ठीक है, तो हमारा 360 डेवलपमेंट होना चाहिए चारों तरफ से, ठीक है, नॉलेज के हिसाब से, प्रैक्टिकल हिसाब से भी हमारा पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी हम आगे जाके सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू हैव अ फोकस लर्निंग अप्रोच, ठीक है, फोकस अप्रोच होनी चाहिए, विद अ डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन टू बी सक्सेसफुल प्रोफेशनल। बेस्ट विशेष टीम आईसीएसआई। तो आईसीएसआई हमें बेस्ट विशेष देता है, तो थैंक यू सो मच, वी विल ट्राई अवर बेस्ट। तो हमें सारी चीजें पढ़नी है, दिसंबर के क्या क्या पढ़ के जाना है, स्टडी मटेरियल जाना है, जजमेंट पढ़ के जानी है, ठीक है, डेलीगेटेड रेजुलेशन पढ़ के जाना है, स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी जो हमारा जनरल आता है उनके लिए, स्टूडेंट के लिए चार्टर सेक्रेटरी जनरल, ये सारी चीजें पढ़नी है, और बेयर एक्ट भी पढ़ने हैं। इसके बाद भी कुछ आपको लगता है तो और भी चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है, एटसेट्रा है यहाँ पे। सो गाइज, आपको कैसा लगा जनरल, ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा मैं क्या क्या पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन। ठीक है, सिर्फ स्टडी मटेरियल से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कोचिंग नोट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पास्ट ईयर से काम नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ हमारे मॉड्यूल से काम नहीं चलेगा, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो आईसीएसआई हमें स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर ऑल दिस थिंग। ठीक है, सो देखते हैं पूरा कवर करके जाते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत दिसंबर में तो फोड़ना है। ठीक है, सो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, मस्त तरीके पढ़ता रहो, गजब तरीके पढ़ता रहो। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके पढ़ता रहो, गजब तरीके पढ़ता रहो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, टाटा बाय, सी यू लेटर।